जी अस्सलाम वालेकुम हजरात। अच्छा, एक और कार की टिप है, जब हम कार पार करते हैं, ये अक्सर लोगों को शायद ना पता हो, कुछ को जो जो एक्सपीरियंस हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं ड्राइविंग के उनको पता होगी, मुझे भी ये रिसेंटली पता लगी कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती हैं, एक तो मैनुअल है ना, मैनुअल पर ये चीज़ लागू नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए है। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है उनमें आप देखा होगा डी फॉर ड्राइव है, एन फॉर न्यूट्रल है, आर फॉर रिवर्स है, पी फॉर पार्क है। ये तीन चार बेसिक आपके आपके मोड्स होते हैं। कुछ में और मोड्स भी होते हैं, जो SUVs होती हैं उनमें L1, L2 वो भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक मोड्स हैं वही हैं, डी ड्राइव है, एन न्यूट्रल है, पी पार्क है, और जो आर वो रिवर्स है। हम जनरली क्या करते हैं, मैंने जब गाड़ी मैंने की रोकी, हम ज़ाहिर है जनरली हम ड्राइव पे गाड़ी चलाते हैं, डी मोड पे चल रही गाड़ी चल रही होती है स्ट्रेट। जब हम गाड़ी की पार्क करते हैं परमानेंटली, तो हम क्या करते हैं, हम अपने उस लिवर को हम स्ट्रेट अवे हम पार्क पे ले जाते हैं। कॉमन सेंस यही कहती है कि पार्क पे ले जाओ उसको, और फिर आप हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी पार्क कर दो। ये तरीका गलत है, ये गाड़ी के जो मैकेनिज्म पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है जो कि नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर तरीका है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को पार्क करने का गाड़ी को, वो ये है, आपने गाड़ी रोकी, आपने ज़्यादा ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, गाड़ी को पहले कह रहे हैं आप न्यूट्रल में, ठीक है, जो भी मोड है, एन जो भी आपका हद है गाड़ी में, न्यूट्रल में करें, आपका पाँव ब्रेक पे ही है, और आप पहले हैंड ब्रेक खींचें। न्यूट्रल पे आपने हैंड ब्रेक खींचनी है, गाड़ी को ड्राइव से न्यूट्रल में करें, फिर हैंड ब्रेक खींचें, फिर आप लेवर को पार्क पे करें। इस तरह गाड़ी के मैकेनिज्म पे जो प्लेट्स हैं, जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे बर्डन नहीं पड़ेगा कांस्टेंट जब आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। याद रखें, पहले न्यूट्रल स्टेप वन, फिर हैंड ब्रेक, फिर पार्क, ये प्रॉपर तरीका है गाड़ी को पार्क करने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।